हाय, मैं सुनंदा। आज मैं व्हाइट सॉस मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक पैन में 2 कप पानी डालेंगे और गैस को रखेंगे हाई फ्लेम में। वन टेबलस्पून व्हाइट ऑयल, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। मैकरोनी डालेंगे जब पानी उबालने लगे। टेन टू 15 मिनट्स बाद इसको छान लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल डालेंगे। वन टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा हिला लेंगे ब्राउन होने तक। अब डालेंगे ऑनियन, इसको भी थोड़ा हिला लेंगे। अब ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, कॉर्न, फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 4-5 मिनट तक। अब एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून बटर डालेंगे और गैस को रखेंगे लो फ्लेम में। बटर गल जाने के बाद अब इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। और इसको मिला लेंगे 2-3 मिनट तक। अब 1 कप मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला लेंगे। तीन चार मिनट तक इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस ऑफ करके 1 कप दूध फिर से इसमें मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें फ्राइड वेजिटेबल्स डाल देंगे। और डालेंगे बॉयल किया हुआ मैकरोनी। अब
अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे लो फ्लेम में। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 कप ग्रेट किया हुआ चीज। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब मैं सर्व करने के लिए एक प्लेट में इसको डालूंगी। अब अपने हिसाब से इसमें चीज ग्रेट करके डालेंगे। व्हाइट सॉस मैकरोनी बनके रेडी है। अब डेकोरेट करने के लिए थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से डालेंगे। और थोड़ा मिक्स्ड हर्ब। अब ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा।